आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग सहयोग कीजिए, जबरदस्ती आप लोग से सहयोग है, नहीं जाने दें, नहीं मिलने दें, पूर्ण सहयोग का पूर्ण सहयोग मिलेगा, सहयोग मिलेगा। पानी बोल करके प्रमुख साहब भी आप लोगों को ये सब बोलेंगे। एक फैमिली का आदमी, तो एक फैमिली का आदमी अपना घर भी नमाज पढ़ सकते हैं? ठीक बता रहे, पूछा देखिए, अपने ही अपने ही घर में क्वारंटाइन हो जाए, जी घर ही में एक ही बहुत अच्छा त्यौहार है और हम लोग मानते भी हैं। देखे ही होंगे कि कभी जब लास्ट होता है हम लोग सभी मिलने के लिए सबसे जाते हैं, पूरे कदवा मिलने जाते हैं, क्योंकि हमको बड़ा आस्था है इस पर्व से। भाई दोस्त सब मानते हैं, अगर हमारा मृत्यु हो जाए, हम बीमार पड़ जाए, तो हम किसके साथ बात करेंगे, कौन मेरा परिवार होगा। इस बीमारी में ऐसा है कि फेंकने वाला भी नहीं मिलता। अभी हमारा टीवी में सभी देखते होंगे कि आज के डेट में लाश को जेसीबी मशीन के द्वारा गड्ढा कोरा जाता है, उसके द्वारा थोपा जाता है, हम मिट्टी भी देने नहीं जाते, देखे हैं ना टीवी में। अभी ये स्थिति देश का हो गया, क्योंकि हम लोग सब देख के भी अनजान नहीं बने, इसके लिए हम सभी को सतर्क रहना होगा। काहे कि अगर आप है तब न बुला के हम दोनों का बात हो रहा है एक जगह, आप हमको मानते हैं, हम आपको मानते हैं, सुख दुख में या जो भी घड़ी है हम लोग आपस में, इसके लिए हम सभी एक जगह ये कदवा थाना के कैंपस में बैठे हुए हैं, दिखने को नहीं मिलता है और इसका लक्षण हम लोग को भी पता नहीं है, इससे सिर्फ सावधानी बरती है। जब तक हम सावधानी नहीं बरते अध्यक्ष, उन्होंने बताया कि बिल्कुल सोशल डिस्टेंस को पालन करते हुए ये जो रमजान का जो पूरा महीना है वो बीतेगा, और यहाँ के जो भी भाग लिया है उन्होंने पदाधिकारी को आश्वस्त किया कि हम लोग भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग में अपने कार्य को पूरा करेंगे। तो इन्हीं बातों को लेकर के मैंने यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता और यहाँ के थाना अध्यक्ष राजीव कुमार झा से भी मैंने बात किया, तो आवाज़ वगैरह जो होता है और अंत में एक अवतारी भी होता है जिसमें कि सबको मिल करके रोजा तोड़ते हैं, तो क्या उस पर कोई सवाल जवाब ऐसा कुछ हुआ? हाँ हाँ, उसमें स्पष्ट नमाजी से ही हमारा हमको ओपिनियन आया कि हम लोग जो है रोजा में ये इफ्तार के बाद जो सामूहिक रूप से बैठते हैं उसमें हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखेंगे और भीड़ भाड़ कम से कम लगे, ऐसा हम लोगों को आश्वासन प्राप्त हो। तो क्या उम्मीद है सर लॉकडाउन में? लॉकडाउन में रमजान बहुत ही बढ़िया से मनेगा और सारे नियम कानून का पालन करते हुए यहाँ के लोग मनाएंगे, जैसा इन लोगों के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया। क्या उम्मीद है कि शांति ढंग से सारा काम हो जाएगा? 100% उम्मीद ही नहीं, वी आर कॉन्फिडेंट, हम लोगों को एतमाद है, सारे बुद्धिजीवी और सारे कदवा प्रखंड के पश्चिम भाग के। सर क्या उम्मीद है आज का बैठक का, कैसा निष्कर्ष रहेगा लॉकडाउन में? खुला समर्थन है लॉकडाउन के तहत, उसके लिए सरकार के तहत ही रमजान का त्यौहार अगले एक महीने तक कोई दो राय नहीं, कोई शंका नहीं, सोशल डिस्टेंस थोड़ा बना के बैठना है। उसमें आप क्या अपील करना चाहते हैं अपने? अपील ये करना चाहते हैं कि मुस्लिम भाई से कि सोशल डिस्टेंस बना करके इफ्तार करें, और पहले इफ्तार पार्टी जो हम लोग के यहाँ बार बार होता है 10 लोग 20 लोग बुलाते हैं, वो भी अगर हो तो सोशल डिस्टेंस बना करके आदमी को इफ्तार कराएं, और मस्जिद वगैरह में नमाज पढ़ने के लिए तो वहाँ जो मदद होगा और हम लोग सोशल डिस्टेंस को बनाए रखेंगे, समझे न। और ये जो पहले 23-24 तारीख से जो हम लोग शुरू किए हैं अब तक है, फिर उसी को हम लोग उसी तरह बना करके हम लोग रखेंगे, और मस्जिद में नमाज जो है एक दो आदमी नमाज पढ़ेगा, बाकी सब लोग अपने घरों में नमाज पढ़ेंगे, और चूँकि सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए सब लोग हम लोग नमाज। तो हम भी ये कहना चाहेंगे अपने मुस्लिम भाई को कि जैसे कुछ दिन पहले ये जो है रामनवमी को जो हिंदू भाई जो मनाए हैं बिल्कुल शांति ढंग से, किसी प्रकार का कोई ये नहीं हुआ था, इसीलिए कि अभी जो महामारी चल रही है हम कोरोना वायरस को लेकर के लॉकडाउन है, इसमें हर एक व्यक्ति को हर एक इंसान को समझना चाहिए कि अभी जो हमारे पूरे वर्ल्ड में जो ऐसा महामारी फैला हुआ है, इस चीज़ को माने
और कल से जो रमज़ान है मुस्लिम भाई को खास करके मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप भी घर में जो मतलब तरावी जो पढ़ते हैं जमात के साथ, ये जमात के साथ ना पढ़ें, इसलिए कि हर एक इंसान को मानना होगा इस चीज़ को कि किसी को भी साथ ये बीमारी हो सकता है भाई। दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंस को माने, सोशल डिस्टेंस दूरी पर रहें और बढ़िया से, ये पवित्र महीना है रमज़ान का, आराम से बढ़िया से अपने घर पर परिवार के साथ मनाएं। इसी बात में धन्यवाद देना चाहूँगा हर मुस्लिम भाई को। और अपने अपने घरों में नमाज अदा करने के लिए इन लोगों ने यहाँ थाना अध्यक्ष के सामने संकल्प लिए और बेहतर ढंग से रमज़ान हो इसके लिए आम लोगों में जो बैठे हुए थे उनमें देखा गया कि खुशी का माहौल था और सारे लोगों ने एक आवाज़ में कहा कि हम लोग सरकार का जो आदेश है उस आदेश को मानते हुए हम लोग अपना रमज़ान मनाएंगे।